हेलो दोस्तों, एडगो चैनल में आपका स्वागत है। मारक्यू की तरफ से, मारक्यू यानी फ्लिपकार्ट का ब्रांड है, उसकी तरफ से ये एक मोनो माइक्रोवेव ओवन का डेमो हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा पैकिंग और डिलीवरी सर्विस अच्छी। ये देखिए दोस्तों, ये बॉडी पाउडर कोटेड वाइट कलर की बॉडी है, 20 लीटर। प्लास्टिक डोर है, ये बटन है ओपन करने के लिए। ये देखिए जेट से ओपन हो जाता है। देखिए दोस्तों, अंदर आपको एक मैनुअल मिल जाएगा और ये ग्लास की ट्रे है जो नीचे है। ये इसका पावर है, जहाँ पे आप लोग मिड हाई पावर ऑप्शन है, और नीचे जो टाइमर दिया गया है यहाँ पे आपको एडजस्ट कर देना है, जितने भी आपका जो भी चीज़ गर्म करनी है, कितनी पावर पे करनी है और कितने टेम्परेचर पे करनी है। अंदर से भी दोस्तों पाउडर कोटिंग है। देखिए दोस्तों, आप इसका सेटअप देखते हैं। ये इसकी रिंग है जो नीचे यहाँ पे रखनी पड़ती है इस तरीके से, फिर इसके ऊपर ये ग्लास की प्लेट लगेगी। ये दोस्तों प्लेट घुमा करती है, जब भी ये यूनिट चालू होगा माइक्रोवेव तो ये प्लेट घूमेगी, जिसकी वजह से जो बेकिंग है हर तरफ से अच्छी तरह से हो जाती है। ये देखिए, ये मार्किंग के हिसाब से हमें रखना होगा, मार्किंग दोनों नीचे और ऊपर मार्किंग के बीच में प्लेट को बिठाना है दोस्तों। ये देखिए, ये इसका प्लग है, लेकिन इसके लिए थोड़ा स्पेशल सॉकेट की ज़रूरत होती है। इसके लिए पावर पॉइंट जैसे कहते हैं वो लगाना पड़ता है, नॉर्मल सॉकेट में नहीं लगता है दोस्तों। अब इसमें हम पापड़ डाल के देखते हैं दोस्तों। 2 पापड़ हम लोग डाल देंगे, और 1 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम होता है दोस्तों, 10-20 सेकंड में ये पापड़ आपको रेडी हो जाएंगे। लेकिन टेम्परेचर जो है मैंने थोड़ा सा मिड हाई रेंज पे रखा है, इसकी वजह से पापड़ को लगभग 40-50 सेकंड का टाइम लगा। ये देखिए 50 सेकंड में इस प्रकार से पापड़ रोस्टेड हो जाते हैं, थोड़े से जल गए दोस्तों, लेकिन बढ़िया से आप ऑयल फ्री जो है पापड़ बना सकते हैं। अभी देखिए, यह है बनाना और एक पोटैटो हमने रखा है, केले और एक, ये देखिए बंद कर दिया है। और पहले स्नॉब को घुमाएंगे, 2 मिनट तक घुमाएंगे। वैसे तो दोस्तों 2 केले और एक पोटैटो के लिए बर्न करने के लिए लगभग 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए टेम्परेचर तो 2 मिनट तो हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। इसकी एक विशेषता है दोस्तों, यहाँ पे बच्चों का दूध वगैरह गर्म करना हो आपको तो वो आप इसमें कर सकते हैं। कप में आपकी चाय ठंडी हो रही है तो उसे आप इस माइक्रोवेव में डाल करके विद इन हाफ मिनट या 20 सेकंड में आपको गर्मा गर्म चाय का कप के साथ आप अंदर रखिए, वो आपको मिल जाएगा दोस्तों गर्मा गर्म। स्टील के बर्तन इसमें नहीं रखने हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी इससे काम गर्म करने का काम फटाफट हो जाता है। फर्स्ट बात, इसमें गर्म करने की और एक है दोस्तों विशेषता, वो ये है कि केले अपने अंदर के पानी से पकेंगे और जो पोटैटो है वो अंदर के पानी से ही अपने आप पकेगा, 1 मिनट से भी कम समय, 4 मिनट से भी कम समय में, अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं। और दोस्तों डरिएगा नहीं, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिसिटी या माइक्रोवेव कुछ वेव्स वगैरह आपके अंदर घुस जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ हीट ट्रांसफ़र होती रहती है दोस्तों। इसकी वजह से सिर्फ गर्मी की वजह से वो जो है अंदर का जो फ्रूट जो भी है जो लिक्विड कंटेंट जो है वो गर्म हो जाता है दोस्तों, तो आपको डरना नहीं। ये देखिए टी फ्रॉस्ट है, टाइमर लगाया है यहाँ पे 1-2 ऐसे मिनट
में टाइम दिए गए हैं दोस्तों। मैंने मैन्यूअल अभी तक पढ़ा नहीं क्योंकि मेरे पास 2 हफ्ते इसके लिए, मैं जानता हूँ माइक्रोवेव किस तरह से ऑपरेट करना है, तो मैं आपको सीधे डेमो दिखा रहा हूँ। ये मार्क्यू का सबसे सस्ता प्रोडक्ट है दोस्तों, माइक्रोवेव, सोलो माइक्रोवेव। ये देखिए 2 मिनट के बाद इस तरह से आधे पके हैं, क्योंकि अगर एक केला था तो अब तक पक चुका होता दोस्तों, क्योंकि 3 छोटे छोटे आइटम हैं इसके लिए और थोड़ी देर हमें लगाने की ज़रूरत है, और 3 मिनट हम लोग लगाएंगे। इतने में हमें केले और पोटैटो जो है आलू पक के मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से दिख जाता है अंदर प्लेट घूम रही है, देखिए आप क्लोज़अप देखिए, ये देखिए अंदर प्लेट घूम रही है दोस्तों, घूम के चारों तरफ से अच्छी तरह से जो भी आप अंदर चीज़ डालेंगे वो अच्छी तरह से पक जाएगी दोस्तों। ये देखिए यहाँ से भाप आने लगती है दोस्तों इस साइड से, इसे सूंघ करके अगर आप केक वगैरह रख रहे हैं तो इसे सूंघ करके आप पता लगा सकते हैं कि चीज़ पकी है या नहीं, आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप डोर को खोलेंगे दोस्तों वो माइक्रोवेव अपने आप बंद हो जाएगा। जो भी अंदर माइक्रोवेव सिस्टम है वो ऐसी डिज़ाइन की गई है कि आप डोर खोलते ही वो अंदर की माइक्रोवेव बंद हो जाएगा, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। ये देखिए प्लास्टिक का डोर है दोस्तों बाहर का, और इसमें बहुत सारी चीज़ों में जैसे केक आप बना सकते हैं, लगभग 10 मिनट में आप केक बना सकते हैं दोस्तों, 10 से 15 मिनट में एक बढ़िया सा केक आप बना सकते हैं वेज और अंडे के साथ। देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी तक दोस्तों फिर भी नहीं पके हैं, क्योंकि मैंने टेम्परेचर जो है वो हाई मिड हाई इसी कुछ रेंज में रखा है दोस्तों, इसकी वजह से ये अभी तक पक नहीं रहे हैं। जब भी आपको टेम्परेचर हाई रेंज पर ही रखना पड़ता है दोस्तों, इसे कम कब करना है, जब आपको थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर या पकाने की प्रोसेस जो है वो धीमी करनी है, तभी इसको आप स्लो स्लो करें। और दोस्तों इसमें जो भी कुछ रखे हैं आप, जैसे कि एग्स वगैरह ऐसे थिक शेल के चीज़ें रखें तो इसे थोड़ा सा फोड़ करके रखें, नहीं तो फट जाएगी दोस्तों। ये देखिए ऐसे फट गई हैं यहाँ पे, और ये 5 मिनट के बाद केले अंदर से पक गए हैं, अंदर के पानी से, बाहर का पानी नहीं डाला है। पोटैटो चेक करते हैं, ये देखिए छुरी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ये देखिए अच्छी तरह से पोटैटो पक गया। अब मैं इसकी टेस्ट लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।